करते वो है जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा होता है। अश्कों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक जिंदगी का, कहां दो चार किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे तो जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहोगे। आपका बीता कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। हम वो है जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हो। शब्द तो गौण है, विचार रहते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं, इसलिए अपने बारे में अच्छा ही सोचिए। बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा आदमी को और गहराई दे गया। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए, एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। गलत आरोपों को लेकर चिंतित मत हुआ करो, बल्कि उनका सामना करो। याद रखो कि समय का ग्रहण तो चांद व सूर्य भी झेलते हैं। अगर सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना मन बदलने के लिए तैयार हो जाओ। जरूरी नहीं कि सब हमें समझ पाए, तराजू वजन बता सकता है, खासियत नहीं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, पर चिंतन में दो चार ही। चिंता खुद ही एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान, इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन कहता है कि रोना गलत है? मन की भावनाओं का यूं बहना गलत है। कभी कभी तो ये कुदरत भी रोती है, तभी तो ये हसीन बारिश होती है। जल्दबाजी में किया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। हमारे जीवन में घट रही अच्छी या बुरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया दें, ये तो हमारे हाथों में ही होता है। और इसे सदा अपने ही हाथों में रखिएगा। आपकी जिंदगी आप खुद बदलोगे, ये सच आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे आपको केवल राह दिखा सकते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। जब रास्ते बंद नजर आने लगे, तो समझना कि अब खुद में कमी ढूंढने का और खुद को बदलने का वक्त आ गया है। जब तक हम अपने अंदर मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बुराइयों व दूसरों की अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे। खुश होना तो तारीफ सुनिए
और बेहतर होना तो निंदा। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करती है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों का आपकी जिंदगी से दूर चले जाना ही बेहतर होता है जो आपके लिए सही नहीं होते। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं कि मैं अकेला हूँ, इसका मतलब है कि बुरे वक्त में मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बनेगा। अगर दूसरों पर भरोसा किया तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगा। जहाँ नाराजगी की कदर ही ना हो वहाँ नाराज होना छोड़ दो। जब तक डरते रहोगे तुम्हारे जिंदगी के फैसले दूसरे ही लेते रहेंगे। अपनी जिंदगी परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना जीवन भर कर सकते हो वो एक ही पल में कर देता है। सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।